तो अब हम निकल चुके हैं। मैं तो खाऊंगी, ये तो खाएगी नहीं। मैं जा रही हूँ अंदर। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वारो लाइव विद ज्योति पांडे। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। नए दिन की नई सुबह हो चुकी है। आज कुहू की छुट्टी है तो उनको ब्रेकफास्ट दे दिया है, सब्जी पराठे वो खा चुकी हैं। तो उससे मेरा क्या फायदा? अभी वो टीवी देख रही हैं। अच्छा, मेरा किचन का काम शुरू हो गया है। आज मैंने क्या बनाया है, मैं एक्चुअली रेसिपी शूट नहीं कर पाई, रेसिपी मैं आपसे पहले शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया। तो यहाँ बने हैं स्वादिष्ट से मटर पनीर। उन्हें बोला मम्मा आज मटर वाला पनीर बनाओ, मैंने कहा ओके बेटा। तो यहाँ बने हैं मटर पनीर, इसके साथ बने हैं जीरा राइस। एक्चुअली होता क्या है, जब आप सारे काम से फ्री हो ना तब आपको बाकी चीजें याद आती हैं। तो मुझे सडन याद आया, अरे यार मैंने आज ब्लॉग की ओपनिंग नहीं ली, मैंने शुरुआत ही नहीं की। तो बाकी सारा काम है, पोछा लगा करके हटी, कट टू मैंने सब्जी चढ़ाई, तो मुझे याद है जैसे सब्जी बनी, मैंने कहा अब मैं फ्री हो गई हूँ, बाकी आज जो जो भी होता रहेगा एज यूजुअल आपके साथ कट टू कट शेयर करती रहूंगी। ओके, तो अभी मैंने नाश्ता नहीं किया है। मेरा ये सिद्धांत है कि सब सारा काम हो जाता है तब मैं बैठती हूँ नाश्ता करने। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, एकदम रिलैक्स होगी, क्योंकि नाश्ता करने के बाद जो आलस आता है ना उस पे ये दिमाग में भारीपन रहता है कि यार अभी काम करना है, काम करना है, तो सारा काम कर लो फिर रिलैक्स होके बैठो, फिर आपके पास अपने काम होंगे, अपने फोन से रिलेटेड, अपने घर से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड सारा काम खत्म हो चुका रहेगा। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। अब तो हम लोग जब भी इस सड़क पे आपको दिखाई दे तो समझ जाया करिए कि क्लास के लिए जा रहे हैं, और एज यूजुअल लेट। ओ भाई मारो, मुझे मारो। इशारे से ही समझ जाया करिए ये दोनों माँ बेटी की जोड़ी हमेशा। और आज हम लोग 15 मिनट लेट हैं। पता नहीं क्या होता है, बहुत सारा समय रहता है लेकिन निकलते निकलते जैसे सडन कुछ कुछ काम ऐसे आ जाते हैं कि वो लेट हो ही जाता है। समझ रहे हो, कोशिश करती हूँ, और कभी अगर जल्दी पहुँच जाओ तो इनकी मैम नहीं आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक साथ रहते हैं। पंडित पंडित अरे नीचे करो, शीशा नीचे करो, वेलकम बैक टू आवर हाउस, वेलकम बैक टू आवर लाइफ। क्या बढ़िया था गुरु। तो फाइनली पांडे जी भी आ चुके हैं, अब जा रही हूँ कुहू को लेने, कुहू को लेकर के फिर आगे चलते हैं चाय पीने। क्या पूछ रही हो, होली पार्टी का बेस्ट स्कूल में दे? तुम बताओगी कि हम बताएंगे? हमको कहाँ मालूम, पढ़ने कौन जाता है, तुम की ये हमको क्या मालूम, तुम्हें पता है, तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तुम्हें पढ़ाई मालूम है किसको बोलते हैं। अब हम निकल चुके हैं चाय पीने के लिए, मजा आने वाली है। मैंने ना एक पैकेट ऊपर रखा हुआ था, पॉल पीको की साड़ी है उसमें, वो लेने जा रही हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं पैकेट लेकर के टहलने जाती ना तो एक बोझ बना रहता, पकड़ के उसको घूमते रहो। तो मैंने क्या किया, मैंने ऊपर रख दिया छत पे, जा रही हूँ लेने। तो ये है वो पैकेट, इसको लेते हैं, घर को बाय बाय करते हैं। जो लोग चाय पीते हैं ना उनके लिए चाय सिर्फ चाय नहीं होती, इमोशन होता है, एक क्वालिटी टाइम होता है। उसी तरह मेरे लिए यहाँ पे आके चाय पीना, घर पे तो मैं हमेशा सुबह शाम की चाय बना के पीती हूँ, लेकिन जब यहाँ पे आती हूँ तो ऐसा लगता है मैं डेट पे आई हूँ। जैसे कॉफी पीने के लिए लोग डेट पे जाते हैं, डेट पे जाके कॉफी पीते हैं, तो वैसा मेरा एक वैसा इमोशन आता है मेरे अंदर कि मैं डेट पे आई हूँ, चाय पीने आई हूँ। सीरियसली ये होता है भाई, चाय एक इमोशन है, चाय का कंपैरिजन किसी चीज से नहीं हो सकता, वो इमोशन है, वो समय है, वो खासियत है हमारे लिए। बात तो सही है। क्या आया है? गुजिया। होली की गुजिया, वाओ वाओ। ये देखिए होली की कली में गुजिया की बात कर रही थी, गरम गुजिया आई है। मैं तो खाऊंगी, ये तो खाएगी नहीं, गरम गरम गुजिया। ये देखिए अंदर से कितनी अच्छी फील्ड है, क्यों
सीरियसली टेस्टी है यार, खाएगी? थोड़ा खा ले, बहुत अच्छी है और एकदम घर जैसी लग रही है। आ गया है मेरा बनमस्का, ये देखिए बनमस्का और ये चाय। ये चाय और ब्रेड नहीं है, ये फीलिंग है, फीलिंग। छोड़ो, तुम लोग नहीं समझोगे। मैं समझ गई। आजकल खुद से जाकर के अपना मील खरीदने में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। आज फिर गई है मैकडी खरीदने के लिए। ये जो पूरा सेल्फ ऑर्डर करने वाला प्रोसेस है ना, कि स्क्रीन पे जाके आप अपना मील चूज करो, सेल्फ ऑर्डर करो, बस इसके लिए ही ये बार बार मैकडी भागती है। बार बार इन द सेंस, जब भी हम कभी बाहर आते हैं तो किसी वीकेंड में एक दिन, मतलब ऐसा नहीं कि हर वीकेंड, किसी वीकेंड में एक दिन ये ज़रूर कोशिश करती है कि मैकडी जाऊँ और ये करूँ। इसको बहुत मज़ा आती है। तो बस अपना ऑर्डर दे रही है, अपना मील सेलेक्ट कर रही है, उसके बाद जाएगी काउंटर से रिसीव करेगी। फ़न, मुझे फ़न में कुछ काम था तो मैंने इनसे बोला कि चलिए मुझे फ़न में ड्रॉप कर दीजिए, मैं जा रही हूँ अंदर, ये लोग रहेंगे गाड़ी में। अच्छा, किसी को चलना है मेरे साथ? नहीं। आजकल मॉल्स के बाहर इस तरह से छोटे छोटे कार्ड बना दिए गए हैं जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे सामान मिलते हैं। जो हम लोग प्रदर्शनी वगैरह में चीज़ें देखते हैं एग्जीबिशन में, वो चीज़ें यहाँ हमेशा अवेलेबल रहती हैं। मैंने भी कुछ शॉपिंग की है, चलिए घर चल के आपको दिखाती हूँ। यहाँ दूर से मैं चली आ रही हूँ और कुहू मेरा वीडियो बना रही थी मेरे व्लॉग के लिए। मुझे पता ही नहीं था, कितना अच्छा काम किया उसने, खुद से वीडियो बनाया। देखिए घर के सामने माता रानी का जागरण हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है और आवाज़ भी बहुत कम आ रही है, ऐसे बहुत लाउड आवाज़ नहीं है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ देखिए लिखा है जय माता दी, जय हो माँ, बहुत प्यारा लग रहा है। आज तो रात भर ये जागरण होगा। जय जय। अपने लिए होली आने वाली है भाई, थोड़ा अपने लिए भी शॉपिंग करूंगी, तो ये कुर्ता मैं आज लेकर के, मैंने सोचा जब रेडी वेडी होंगी कभी तब दिखाऊंगी, लेकिन ऐसे होता क्या है ना, मेरे सारे कपड़े रखे रह जाते हैं, तो मैंने कहा पहले आपको दिखा देती हूँ क्योंकि आज खरीदा है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा ये कुर्ता कैसा लग रहा है। वाओ, ये है सेकेंड सूट, ये देखिए कितना बढ़िया एक गोटा भी लगा हुआ है सूट के साइड का, ये देखिए दुपट्टे पे, और यहाँ बहुत प्यारा सा वर्क भी है मोतियों का, और ये बहुत प्यारा फ्रिल वाला कुर्ता। ये है मेरा थर्ड एंड लास्ट सूट जो आज मैंने खरीदा है। ये पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगा, आई थिंक इसे अनारकली बोलते हैं, अम्ब्रेला बोलते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छा, और मैंने बहुत ढीले ढीले खरीदे, देखिए कितना लूज है मेरे साइज से, मेरा साइज अगर यहाँ आ रहा है तो मैंने सूट इतना लूज खरीदा है जस्ट बिकॉज ऑफ
बहुत कंफर्टेबल रहता है। बात तो सही है। कहीं पे भी आप पहन के जाओ ना, बैठो उठो कुछ भी करो, दिन भर आप पहन सकते हो, इतना कंफर्टेबल रहता है। तो ये पिस्ता कलर का सूट, पूरा एम्ब्रॉयडरी यहाँ पे वर्क है, इसमें गोटे लगे हुए हैं, आई थिंक गले पे दिख रहा होगा, इस पे भी गोटे लगे हुए हैं, और ये प्यारा सा धानी कलर का सूट। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये था हमारा आज का व्लॉग, जिसमें हमने आज क्या क्या किया वो सब कुछ आपसे शेयर किया मैंने। अच्छा आजा, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और जरूर बताइए कि आपको मेरे सलवार सूट कैसे लगे जो आज मैंने खरीदे। तो बस कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग या रील के साथ। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।